इसलिए पूज्य गुरुवर का तो कहना यही रहता है, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। और हमारे पूज्य गुरुवर के साथ भी यही हुआ, 4-5 महीने रहे ब्रह्मचारी, छुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा, मुनि दीक्षा, 11 ज्यादा नहीं रहे, ये सबसे अच्छा। अब क्या पक्षी बने हो ना, उड़ना सीख जाओगे, ये जातिगत संस्कार रहते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ ना, खाना किसने सिखाया था? नहीं, पहले खाना सीखना था, पहले चलना किसने सिखाया, बोलना किसने सिखाया? मैं कहे चलो माना कि खाना सिखा दिया, चलना हाथ पकड़, और ये बताओ बोलना किसने सिखाया? आप स्वयं से सीखे ना, ये है जातिगत संस्कार। आपको प्रवचन सिखा, सिर पर आएगा तो करोगे, व्यवहार करना सिखाओ, आपके सिर पर आएगा तो आप करोगे। कैसे करोगे? एक बार थोड़ा सा लगेगा लेकिन करोगे, डरने की क्या बात है। तो जैसे बोलते हैं ना, एक एग्जांपल, आज जैसे एक कहावत बोलते थे, ओखली में तो मूसल से क्या डरना, ऐसा कुछ बोलते थे। ऐसे दीक्षा ली है तो अंतराय से क्या डरना, बीमारी से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। आपने कभी सोचा था शादी होगी, ये करना पड़ेगा, भोजन पकाना पड़ेगा, सबकी सुनना पड़ेगी, परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा? यदि आपको ये पता होता पहले, मुझे इतना इतना करना, तो नहीं करते सारे बराबर। ऐसे बहुत सारी चीजें होती, तो ऐसे मैं भी सोचती, पहले ही सोचती यार दीक्षा लेके केस लॉन्च करना पड़ेगा, अंतराय का पालन करना पड़ेगा, विहार करना पड़ेगा, शक्ति भी नहीं होगी तो भी प्रवचन करना पड़ेगा, ये सब यदि हम सोचते तो शायद मैं दीक्षा नहीं ले पाती, ये मेरी गारंटी से कहती। और मेरा कारण यही है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मात्र इतना ही था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे दीक्षा लेना है, शादी नहीं करना, इतना ही मालूम था। ये नहीं था मुझे सच में पता कि केश लॉन्च भी करना, पैदल भी चलना, और ये तो कभी भी पता नहीं था कि गुरुजी से अलग भी होना पड़ेगा। यदि ये मुझे पता होता तो मैं शायद दीक्षा ना लेती, ये सत्य है। इसलिए सारी चीज पहले नहीं बताई जाती, पहले करो तो सही, फिर आगे हो जाएगा। तो बात क्या हुई, अपना टॉपिक कहाँ पर था? संस्कार, संस्कार के ऊपर। तो हमें संस्कार पहले देना पड़ता है, तो भोजन अच्छा होना चाहिए, मन से होना चाहिए, टेंशन में नहीं, विकल्प में नहीं, तनाव में नहीं, जितना भी कम खाओ और प्रसन्नता के साथ, विशुद्धि के साथ। क्योंकि अधिक खाने वाले खाते तो बहुत है पर विशुद्धि नहीं होती, तो भोजन भी ना शरीर को नहीं लगता, कितना भी खा लो बने तो ऐसे ही रहोगे सिंगल हड्डी वाले, बराबर। इसलिए कम खाना पर प्रसन्नता के साथ, वो एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, उमंग देगा, नया कुछ करने की हिम्मत देगा। यदि नया कुछ करना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, लक्ष्य की प्राप्ति है, तो सोच अपनी अच्छी रखे, ऊंची सोच, उच्च भाव। यदि भाव अच्छे होंगे तो ऊंची सोच उत्पन्न होगी, ऊंची पोस्ट मिल तो गई है, ऊंचे भाव भी रखे। अब जैसे अपन मिले तो क्या, पहले मंदिर बने किसके लिए? यदि कोई और होता तो क्या सोचता, काश मेरा बंगला, काश गाड़ी, काश बच्चे, ये हो जाए वो हो जाए, वो भाव भी तो आना चाहिए। उनको ही वही चीज मिलती है जिनके भाव ऐसे हुआ करते, क्योंकि हमेशा सिद्धियां उनको ही मिलती हैं जिनको कोई लोभ लालच नहीं होता है, और जो जितना देते हैं उनको उतना ही मिलता रहता है। तो आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वैसे भाव बनाइए और अपनी आत्मा को पवित्र कीजिए। बोलेंगे मम शिक्षा दीक्षा दाता ब्रह्म पूज्य ने आचार्य बहुत सदी।